Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप किसी भी दुपट्टे से ये प्रेटी सी श्रग क्रिएट कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं ये दुपट्टा लिया हुआ है जिसकी लेंथ अराउंड 2 मीटर होगी. तो सबसे पहले मैं इसके जो कॉर्नर पे लेसेस है मैं उसे रिमूव कर लूँगी. तो यहाँ पे मैंने लेस को रिमूव कर लिया है. लेस रिमूव करने के बाद हमें वन साइड से दुपट्टे को फोल्ड करना होगा. तो यहाँ मैंने एक साइड से दुपट्टे को फोल्ड कर लिया है. तो डबल में फोल्ड करने के बाद इसका टोटल मेजरमेंट हमें देखना होगा पहले. तो यहाँ पर मुझे 18 इंचेस मिल रहा है जो कि टोटल 36 हो जाएगा. और यहाँ पे लेंथ में यह 15 इंच ले रही हूँ इसकी. आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ चाहते हो ऊपर टॉप की उतनी लेंथ रखिए. यहाँ पर पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव कर लूँगी. एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर लेने के बाद इसे मैं फोल्ड लेयर में फोल्ड करना होगा. तो ध्यान देना है जहाँ पे हमारा बन साइड है मैं वहीं से मार्किंग करनी. तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं मुझे यहाँ मिल रही है 9 इंचेस. और यहाँ नेक के लिए मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ. और जो नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ 1/2 इंच ही ले रही हूँ. तो दोनों पार्ट में एक साथ ही कट कर रही हूँ आप देख सकते हो. इसके बाद जो शोल्डर है वो भी मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ. यहाँ आर्म होल मैं 6 इंच ले रही हूँ. यहाँ पर जो बस्ट साइज था यहाँ पे मैं चेस्ट था वो 32 था. तो यहाँ मुझे 32 का 4th पार्ट लेना होगा क्योंकि मैंने फैब्रिक को फोल्ड लेयर में फोल्ड कर रखा है. तो यहाँ 32 का यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ देख सकते 8 इंच पे. उसके बाद जो वेस्ट है वो मैंने यहाँ मार्क की 7 पे. वेस्ट का भी मैं 4 पार्ट लेना रहता है. उसके बाद मैं नेक को कट कर लूँगी. नेक कट करने के बाद हमें इसी तरह से आर्म होल को और बाकी का जो हमने मार्किंग की है उसे भी कट कर लेना होगा. तो इसकी कटिंग करने के बाद हमें दोनों पार्ट्स को अलग कर लेना होगा. तो यहाँ जो फ्रंट पार्ट है तो यहाँ फ्रंट पार्ट में सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेना होगा. फोल्ड करने के बाद इसका जो आर्म होल है फ्रंट का उसे हमें हल्की सी डीपनेस और देनी होगी. तो अराउंड 1/2 इंच मैं इसको और कट कर लूँगी. के बाद हमें इसे मिरर सेक्शन से कट कर लेना होगा क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट ओपन रखना है. तो मैं इसे मिडल से कट कर लूँगी. मिडल से कट कर लेने के बाद हमें यहाँ फ्रंट जो पार्ट में हमें शोल्डर से मार्किंग करनी होगी. यहाँ पे ऊपर से अराउंड 4 इंचेस तक हमें कर्व शेप दे देना होगा. तो यहाँ से देख सकते हैं नेक से मैंने यहाँ 4 इंच अराउंड शोल्डर से एक कर्व शेप दे दिया है जिससे हमारा श्रग का जो नेक का शेप है जो परफेक्टली आएगा. यहाँ मुझे फ्रंट पार्ट के 2 सेक्शन मिल गए. अब दोनों पार्ट्स को मैं रखते हुए सबसे पहले शोल्डर को ज्वाइन कर लेना होगा. तो ऊपर टॉप की कटिंग के बाद हमें इसके घेरे की कटिंग करनी होगी. के लिए हमारे पास काफ़ी फैब्रिक था तो यहाँ अराउंड 15 इंच पे मार्क करते हुए मैं इस फैब्रिक को कट कर लूँगी क्योंकि 15 हमारी टॉप की भी लेंथ थी आप देख सकते हो. और नीचे घेरे की भी मैं 15 लूँ. आप चाहे तो 1-2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं. आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग रखनी है कि कितनी आपको लेंथ चाहिए रहेगी. तो यहाँ मैं फैब्रिक को इस तरह से कट कर लूँगी. देख सकते हैं ये जो फैब्रिक की लेयर मैंने कट की ये हमारी घेरे के लिए इनफ नहीं है. तो इसी तरह से मैं एक और लेयर कट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं प्लीट्स भी क्रिएट करनी रहेंगी जिसके लिए मैं ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत रहेगी. तो अराउंड 15 या 16 इंचेस तक हमें ये फैब्रिक ज़रूरत होगा जिससे हम काफ़ी सारी प्लेट्स क्रिएट कर सकते हैं श्रग के लिए. इसके बाद यहाँ पर मेरे पास इतना जो फैब्रिक बचा हुआ है
तो उससे मैं स्लीव्स को कट करूँगी। तो यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई आप देख सकते हैं, मुझे 9 इंच मिल रही थी। तो यहाँ आपको टोटल आर्म होल से मेज़र करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले रिमूव कर लूँगी। तो आर्म होल यहाँ पे मेरा 14 था, तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा 7। एम टोटल फैब्रिक मुझे मिला था 9 इंचेस। अब यहाँ पे जो ओपन पार्ट है, मैं वहाँ से 2.5 इंच में मार्क करते हुए ऊपर की साइड कर्व ड्रॉ कर लेना होगा। आपको ध्यान देना है, जहाँ ओपन साइड था वहीं से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना होगा। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 3 इंचेस पे नीचे मार्किंग करिए, अदरवाइज आप 2.5 इंच पे ही मार्क करिए। उसके बाद इसकी लेंथ पे मैं मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद आगे यहाँ मैं 6 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा 12 था, तो यहाँ मैंने 6 लिया है हाफ। अब स्लीव्स की मैं कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स बनाना भी कितना ज़्यादा इजी है। इसके बाद हमें इस तरह से 2 स्लीव्स मिल जाएंगी, जिसमें हमें फ्रंट पार्ट में हल्का 1/2 इंच का शेप देना होगा। तो हमें स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए शेप देना होगा, क्योंकि ये पार्ट हमारा आगे की साइड ही आना चाहिए स्लीव्स अटैच करते टाइम। उसके बाद हमें शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना होगा। उसके बाद हमें नेक को हेम करना होगा, और जो हमारा फ्रंट ओपन पार्ट है उसे भी हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सीना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है। उसके बाद जो हमारा बॉटम है, हमें उसे भी दोनों लेयर को मिडल से ज्वाइंट करना होगा। ज्वाइंट करने के बाद हमें जो ऊपर का एक और लेयर है, हमें उन दोनों को ज्वाइंट नहीं करना होगा, उसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेना होगा और उस पर प्लीट्स देखते हुए मैं अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने बॉटम को देख सकते हैं अटैच कर लिया है, और यहाँ मैंने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारी श्रिक्स थी, आप देख सकते हैं कितनी ईजिली मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसके बाद मैं इसे इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर ये लेस यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको बॉटम में एंड स्लीव्स में अटैच कर लूँगी। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने दुपट्टे से ही प्रीटी सी श्रक क्रिएट कर ली है। तो आप किसी भी दुपट्टे से इसको क्रिएट कर सकते हो। सो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।